नमस्कार, आज के वीडियो में तीन बड़ी अपडेट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से साथियों पहली अपडेट है कि नोट सेट 4 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा कि नोट सेट का रिजल्ट तो पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बोला था कि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि हाईकोर्ट में चले गए हैं नोट सेट 4 को लेकर, क्योंकि उनको अपनी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था साथियों, जो उनकी एज थी, उसमें उनको रिलैक्सेशन चाहिए था। इसलिए इन सभी कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए परमिशन ग्रांटेड की गई थी कि यदि आप यहां पर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही अलॉट होने वाला है। इसलिए उन सभी कैंडिडेट का जिन्होंने यहाँ पर केस कर रखा था दिल्ली हाईकोर्ट में, उनका रिजल्ट अब जारी किया गया है। और आपने जब मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हुआ था तब उसमें नीचे एक लाइन लिखी थी कि जो भी कैंडिडेट जिनका कोर्ट में केस पेंडिंग है उनका रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे साथियों ये है कि जो भी कैंडिडेट थे यहाँ पे जिनका रिजल्ट इसमें अब जारी किया गया है, टोटल 42 कैंडिडेट हैं, मे बी यहाँ पर साथियों कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है, मतलब सभी कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड रिमार्क किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनके परसेंटेज देख सकते हैं, 15 है, 6 है, 2 है, 8.16 है। तो ये इन सभी फीमेल और मेल कैंडिडेट के साथियों यहाँ पर परसेंटेज रहे हैं नोट सेट 4 के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि नोट सेट 4 के बाद में साथियों नोट सेट 5 के जो एडमिट कार्ड है, आपका सेंटर कहाँ आने वाला है, आपका स्टेट कहाँ आएगा, आपकी सिटी क्या है, वो सभी साइट पे बता दिया गया है। तो आप बिल्कुल जाके साइट पे चेक कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड साथियों 15 सितंबर को 11 AM के बाद कभी भी जारी हो सकते हैं। इसके अलावा नोट सेट 6, नोट सेट 7, नोट सेट 8 और नोट सेट 9 को लेके साथियों बड़ी अपडेट है। हमने कल ही शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि यहाँ पर जो अब आपका एग्ज़ाम है, जो कि नेक्स्ट नोट सेट आपके कब होने वाले हैं, ईयर में 2 टाइम आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उनका शेड्यूल पूरा जारी कर दिया है। साथ ही उसमें कन्फ्यूज़न ये था कि क्या प्री और मेन एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए साथियों, जैसा उन्होंने वहाँ पर शो अप कर रखा है, जो कैलेंडर ईयर बताया गया है उसमें केवल और केवल एक ही डेट दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उसमें प्री एग्ज़ाम ना हो या हो भी। देखिए साथियों, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो केवल एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब दोनों होंगे कि नहीं होंगे इसका अपडेट हम आपको बिल्कुल विद प्रूफ के साथ देने वाले हैं। थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना हो सकता है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो राजस्थान हाईकोर्ट में जो सन्नों का केस चल रहा है, क्योंकि एम्स जोधपुर ने जो वैकेंसी निकाली थी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, उसकी साथियों जो केस अपडेट भी आपको बता दें कि कल इस मामले में हियरिंग होने वाली है, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।